सर्वांनाच आता लोकसभा निवडणुकांचे वेध लागलेत। लोकसभा निवडणुकीबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आलेली आहे, ती म्हणजे निवडणूक आयोग शनिवारी दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे आणि या पत्रकार परिषदेमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे। उद्या दुपारी 3 वाजल्यापासून आचारसंहिता लागण्याची देखील शक्यता आहे। देशात 7 टप्प्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडतील असं दिसतंय। महाराष्ट्रात 3 टप्प्यात निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जाते। ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट है, ये सरकार तो हेडलाइन जीवी सरकार है। तो कल हेडलाइन होने वाले थे राहुल जी चैती भूमि का असर दबाने के लिए अपने चुनाव की घोषणा करने की ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। आणि या सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांसोबतच महाराष्ट्राची खबर बातमध्ये आता वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची। ताज्या बातम्या आणि अपडेट्ससाठी बघत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।